तो गुजरात के वडोदरा में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा है। बड़ी खबर यह है कि शमशान घाट कब्रिस्तान में शवों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शमशान घाट पर हर रोज 70 से ज्यादा लाशें जलाई जा रही हैं। ये वडोदरा का हाल है। कोरोना के चलते लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और शायद यही वजह है कि शमशान से लेकर कब्रिस्तान हर जगह वेटिंग जारी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के वडोदरा की, जहां पर इस शमशान के ठीक पीछे कब्रिस्तान भी है। वहां भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। पार्थिव जो शरीर है वो यहां पर लाया गया है। कोरोना के मरीज यहां पर लाए जाते हैं और लगातार इसी तरह से धू धू कर शव जलते रहते हैं। प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोरोना के मरीजों के अलावा जो अन्य मरीज भी हैं, ऐसे लगभग 70 से 75 शव यहाँ पर लाए जाते हैं। लगातार शव आ रहे हैं एम्बुलेंस के ज़रिए और कोविड से जो मौत हो रही है उसका आंकड़ा ख़त्म नहीं हो रहा है। हम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं और जो बयां कर पा रहे हैं वो बेहद दर्दनाक है। परिवार का दर्द नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में परिवार भी जो है वो अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। आपके परिवार से या आपके करीबियों में से कौन था यहाँ? हमारा सर है, उनका मदर है, उनको हम जलाने के लिए यहाँ खासवाड़ी शमशान आए। क्या प्रतिदिन अगर हम बात करें तो कितने शव आप लोग देखते हैं? करीबन हम एब्रोक्स तुम्हारे जो कोविड 19 के होते वो चार बजे से लगा कर रात को 12-1 बजे तक जलते रहते हैं। और कितने शव होंगे कम से कम? नॉर्मल सब मैक्सिमम 50-55 पर डे आते हैं। यानी टोटल 70 से 75 का आंकड़ा चला। जी 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 जी। कोरोना से यहाँ भी हालात खराब हैं? यहाँ बिल्कुल बड़ौदा के अंदर बहुत कोरोना से हालत खराब है और करीबन यहाँ मैं मानता हूँ 24 घंटे के अंदर 250 जैसी लाशें जलती होगी। और ये तस्वीरें भी विचलित करती हैं कि आखिर क्यों इंसानी हालत ऐसी इस वक्त क्यों है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। लोग लगातार यहाँ पर और भी ज्यादा कब्र खोदे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा एक दो कोई वर्दी आती है तो खोद लेते हैं लगातार, ऐसे ही चलता है। कोरोना काल में जहाँ अस्पतालों में संसाधन बढ़ने चाहिए, वहीं दूसरी ओर शमशान की संख्या बढ़ाई जा रही है, कब्रिस्तान की संख्या बढ़ाई जा रही है। तस्वीरें आपको इस वक्त हम गुजरात के बड़ौदा से दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप ये देखिए कि ताजगीरा कब्रिस्तान में, जो कि कई समय से बंद था और इसको वापस से एक बार खोला गया है। कब्रिस्तान में कोरोना पॉजिटिव जो मृतक हैं उनके शवों को दफनाया गया है और शवों का अंबार लगा है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी शव ही शव है। लगातार यहाँ पर शव लाए जा रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पतालों में भी यही हाल है। ताजगीरा के ठीक सामने यहाँ पर खासवाड़ी शमशान है, वहाँ भी निरंतर शव जलाए जा रहे हैं। और तस्वीरें यही नहीं थमती, ज़रा हम आपको कैमरा पैन करके दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से अभी भी लगातार यहाँ पर जो और शव आने वाले हैं उनकी तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर JCB से और कब्र खोदे जा रहे हैं, यानी कि शव निरंतर यहाँ पर आते रहते हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नई जगह बनाई गई है। कोरोना के जो तमाम मृतक हैं उनको यहाँ पर दफनाया गया है और अभी भी JCB से खुदाई जारी है, क्योंकि लगातार यहाँ पर मृतक को लाया जा रहा है। तस्वीरें बयां करती हैं कि इस वक्त गुजरात में, खासकर वडोदरा में क्या स्थिति है। और जहाँ अस्पताल में बेड्स बढ़ाए जाने चाहिए थे, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी, तो वहीं अब शमशान और कब्रिस्तान में हम देख रहे हैं शवों के लिए जगह बनाई जा रही है। गुजरात से कैमरा पर्सन सुभाषिश दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।